नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ एक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुष्मान कार्ड के बारे में। तो बहुत से भाई ऐसे हैं जिनका बार बार कमेंट आ रहा है कि उनका लिस्ट में नाम नहीं है, वो अपना आयुष्मान कार्ड कैसे बनाए। तो आज इस वीडियो में हम कम्प्लीट बात करने वाले हैं कि अगर आपका आयुष्मान कार्ड लिस्ट में नाम नहीं है तो आप कौन से दो तरीके से अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो अगर आप अपना आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा। और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई सा ब्राउजर को ओपन कर लेना होगा। जैसे ब्राउजर ओपन करेगा आपको पहला काम क्या करना होगा, जो पहला तरीका है आपको यहाँ पर टाइप करना होगा MI Eligible। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे MI Eligible लिख के सर्च कर देना। जैसे आप यहाँ पे MI Eligible लिख के सर्च करिएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा mera.pmgy.gov.in। आपको इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे इस लिंक पे क्लिक करेगा आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको अपना यहाँ मोबाइल नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड टाइप करना है, जनरेटिव क्लिक कर देना है। उसके पहले हम आपको एक बात बता देते हैं, यहाँ नीचे आपको देखने को मिल जाएगा इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब आपको किसी को पैसा पे करने का जरूरत नहीं, आपको बस ऊपर आना है। यहाँ आपको अपना कोई सा भी मोबाइल नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड टाइप करना है, जनरेटिव क्लिक कर देना है। जैसे इतना कर लीजिएगा, करने के बाद आपको जनरेटिव क्लिक कर देना है। जैसे इतना कर लीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे OTP को सेंड किया जाएगा और वो OTP आपको यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे देख लीजिएगा, टाइप करना है, चेकबॉक्स पे क्लिक करना, सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम OTP का वेट कर लेंगे। OTP का वेट करिएगा, OTP जैसे ही आ जाता है तो OTP आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। जैसे OTP देख सकते हैं आप आ चुका है, तो यहाँ पे OTP हम टाइप कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको OTP टाइप कर लेना है। OTP टाइप करने के बाद चेकबॉक्स पे क्लिक करना, सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे इतना कर लीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका स्टेट शो हो जाएगा। सबसे पहले सेलेक्ट स्टेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना। आपको अपने स्टेट का नाम यहाँ पर देख सकते हैं ऑल स्टेट दिया हुआ, आपको अपना स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेना। उसका सेलेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको उस पर क्लिक करना। जैसे उस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पर आप नाम ही ले लेते हैं, आपको जो भी लेना रहेगा आप यहाँ पर मोबाइल नंबर भी ले सकते हैं, HDD नंबर, राशन कार्ड नंबर, आपको नाम ही सर्च कर देंगे। जैसे सर्च कर दीजिएगा तो यहाँ आपको देखने को मिल जाता है सर्च बाय नेम, यहाँ पर देख सकते हैं अपना नाम टाइप करना, बाकी सब छोड़ दीजिएगा। अपने एरिया का पिन कोड टाइप करिएगा, खोजे वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपको डिटेल को फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे खोजे वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपका नाम, जितने भी लोग रहेंगे आपके एरिया में सब नाम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आपको पता चल जा रहा है कि आपका ये है या आपका ये है तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइड में थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा, यहाँ आपको देखने को मिल जाता है HHD नंबर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से HHD नंबर आपको निकाल लेना है। तो ये हो गया जिनका HHD नंबर निकल गया। अब जिनके पास HHD नंबर नहीं है वो क्या करेंगे, वो फिर से एक नया टैब ओपन कर लीजिएगा। अब यहाँ से आपको पहले HHD नंबर निकाल लीजिएगा। आपको HHD नंबर यूज कैसे करना है, उसका कैसे आपको स्मार्ट कार्ड बनाना पड़ेगा, वो भी मैं इसी वीडियो में कंप्लीट बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम नया टैब ओपन कर लेते हैं। जिनका HHD नंबर निकल जाएगा वो तो HHD नंबर निकाल लेंगे, जिनका HHD नंबर नहीं निकलेगा उनको एक नया टैब फिर से ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद उनको यहाँ पर लिखना होगा BOCW। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हैं BOCW टाइप कर देना। टाइप करने के बाद इसको सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च करिएगा तो देख सकते हैं आप यहाँ पे UP BOCW पोर्टल पर लॉगिन हो जाइएगा। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहीं पर आपको देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे आप BOCW लिखे हुए हैं उसके साइड में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, एक आपको स्पेस देना है, यहाँ आपको स्टेट का नाम लिख देना है। जैसे मान लीजिए बिहार लिख देते हैं तो बिहार लिख के आपको सर्च कर लेना। सर्च करिएगा फिर आपके सामने कुछ ही तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको पहले वाले लिंक पे ही क्लिक कर देना है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको अपने स्टेट का नाम यहाँ पे शो करेगा, आपको अपने स्टेट के नाम पे क्लिक करना है और अपने स्टेट के नाम पे यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। देखते हैं बिहार पोर्टल पर लॉगिन हो गए हैं। अब यहाँ पर लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है 3 लाइन, आपको क्या करना है 3 लाइन पर क्लिक करना। जैसे 3 लाइन पर क्लिक करिएगा यहाँ पर देखने को मिलता है रजिस्टर लेबर, तो आपको क्या करना है रजिस्टर लेबर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप रजिस्टर लेबर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा देख सकते हैं आपके सामने कुछ ही तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन रिपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अपना जिला सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं एरिया का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो अर्बन सेलेक्ट करना है, अगर गाँव से बिलोंग करते हैं रूरल सेलेक्ट करना है। इसके बाद चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे रूरल सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका ब्लॉक होगा ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिएगा, ग्राम पंचायत नेम सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करिएगा, सेलेक्ट करने के बाद आपको सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे अपना नाम पहले देख लीजिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आपका नाम देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आपको यही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से निकाल लेना है।
ठीक है, यहाँ से निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद आपको क्या करना है वो आप देखिएगा। अब यहाँ से देखिए, आप अगर SHD नंबर आपका निकल गया तो SHD नंबर निकाल लीजिएगा, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर SHD नंबर नहीं निकल रहा तो आपको यहाँ पे ये वाला रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लेना है। निकालने के बाद फिर से आपको एक नया टैब ओपन करना है, नया टैब ओपन करने के बाद आपको टाइप करना होगा। अब दोनों नंबर निकाल लीजिएगा, कोई भी आपके पास नंबर निकल गया तो अब दोनों नंबर से हम बताने वाले हैं कि कैसे आपको बनाना है। तो दोनों नंबर आप निकाल लीजिएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर टाइप करना होगा सेतु PMJY, आपको इतना लिख के सर्च कर देना। जैसे आप इतना लिख के सर्च करिएगा तो फिर आपके सामने कुछ ही तरीके का इंटरफेस देखने मिलेगा। आपको पहले वाले लिंक पर ही क्लिक कर देना है। जैसे आप पहले वाले लिंक पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ ही तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ आपको देखने को मिलता है 3 लाइन, आपको क्या करना है 3 लाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखने को मिलता है रजिस्टर या साइन इन का ऑप्शन, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर टाइप करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मोबाइल नंबर टाइप करेगा, साइन इन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अगर आपके पास ऑपरेटर आईडी है तो ही आप लॉगिन हो सकते हैं मोबाइल नंबर टाइप करके। वो भी हम बता दें कि अगर आपके पास ऑपरेटर आईडी नहीं है तो आपको कैसे लेना है, वो भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट बता देंगे। तो आपके पास अगर आप CSC आईडी है तो CSC कनेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे आप CSC कनेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर लॉगिन हो जाइएगा, आपसे CSC कनेक्ट हो जाइएगा। यहाँ आपको देखने को मिलता है यहाँ पर 3 लाइन, आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है। जैसे आप 3 लाइन पर क्लिक करेगा यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा PMJY कंसोलिडेटेड डाटा। तो सबसे पहले आपको इसी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको देखने को मिलता है सर्च बाई SHD या आधार, तो आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो देख सकते हैं सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा, स्टेट सेलेक्ट करिएगा, मान लीजिए जो भी आपका स्टेट रहेगा स्टेट को सिलेक्ट कर लेना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, और यहाँ आपको देख सकते हैं यहाँ पे चलिए हम स्टेट सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद आपको सेलेक्ट आईडी टाइप का एक ऑप्शन देखने मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जो आपको यह SHD नंबर आप निकाले हुए हैं, जिनका SHD नंबर निकल गया है उनको यहाँ से फैमिली आईडी सेलेक्ट कर लेना होगा। फैमिली आईडी सेलेक्ट कर लीजिएगा, अपना SHD नंबर यहाँ पर टाइप करके गेट डिटेल पर क्लिक करिएगा। नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर प्रोसीड ऑथेंटिकेट कर लीजिएगा, आपका KYC कर लीजिएगा। KYC करने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं जिनका BOCW नंबर निकला हुआ है उनके लिए क्या करना पड़ेगा। यहाँ आपको देखने को मिलता है 3 लाइन, आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है। जैसे आप 3 लाइन पर क्लिक करिएगा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे इंटरग्रेटेड स्टेट स्कीम, तो आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखने को मिलता है सर्च बाय आईडी, तो आपको क्या करना है इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना। जैसे इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपका स्टेट रहेगा स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पे हम जो भी आपका स्टेट रहेगा स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट जैसे सेलेक्ट करेगा सिलेक्ट स्कीम का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा देख सकते हैं यहाँ पे BOCW, आपको यहाँ पे देख सकते हैं यही हम आपको टाइप करवाए थे BOCW, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेगा अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने में BOCW नंबर जो निकाले रहेंगे वही आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, गेट डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो सेम प्रोसेस है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। लेबर कार्ड वीडियो BOCW नंबर से कैसे बनेगा पूरा वीडियो कंप्लीट बना हुआ है चैनल पर, उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से देख के आप इसको बना लीजिएगा। तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा। अगर आपके पास ऑपरेटर आईडी नहीं है या फिर अगर आपका CSC कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो उसका भी लिंक हम वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से देख के आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, आपका CSC लॉगिन होने लगेगा। और अगर आपके पास ऑपरेटर आईडी नहीं है तो उसका भी हम लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप ऑपरेटर आईडी भी ले सकते हैं।